इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। तो आइए आज की इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। आज की इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ केंद्रीय समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। ये समस्याएं हर अर्थव्यवस्था के सामने आती हैं, इसलिए इन समस्याओं को केंद्रीय समस्याएं कहा गया है। ये मुख्यतः तीन होती हैं। एक, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी केंद्रीय समस्या होती है उत्पादन किस प्रकार किया जाए, अर्थात कौन सी तकनीक से किया जाए। तीसरी हमारी केंद्रीय समस्या होती है उत्पादन किसके लिए किया जाए। इनके अलावा आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे प्रोफेसर स्टिगलर और लेफ्टविच जैसे विद्वानों ने दो केंद्रीय समस्याओं का और वर्णन किया है। ये हैं नंबर चार, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, और पांचवी हमारी केंद्रीय समस्या होती है साधनों का विकास कैसे हो। आज की वीडियो से हम सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं। अर्थव्यवस्थाओं को हम तीन प्रकारों में बांटते हैं। ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए अब सीखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं। विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का समाधान भिन्न भिन्न तरीके से करती हैं। मुख्यतः अर्थव्यवस्थाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था। इसे कई बार निजी अर्थव्यवस्था कहकर भी पुकारा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं बाजार की शक्ति, मांग व पूर्ति की स्वतंत्र अंतर क्रिया पर निर्भर करती है। उत्पादक अपना निर्णय बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर लेते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी मांग अधिक है और पूर्ति कम है। ऐसी वस्तुओं से उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। उत्पादक उत्पादन के उन साधनों का प्रयोग करेंगे जिनसे उत्पादन की लागत कम से कम हो ताकि उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादक उस वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जो अधिक कीमत देने में सक्षम है, क्योंकि इससे उत्पादकों को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है अमेरिका और इंग्लैंड। इस तरह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तीनों केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है। पहली, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, उसका जवाब है जिनकी मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो। दूसरी केंद्रीय समस्या थी उत्पादन किस प्रकार किया जाए, इसका जवाब है कि इस तरीके से करेंगे, उस तकनीक से करेंगे जिनसे कि उत्पादन की लागत कम से कम हो। तीसरा केंद्रीय समस्या थी उत्पादन किसके लिए किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन उस वर्ग के लिए किया जाएगा जो अधिक कीमत देने में सक्षम है। हमारी दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण होता है वो किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो सरकार के विचार में समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो। उत्पादन के लिए ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। उदाहरण के लिए, यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति हो तो सरकार श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेगी ताकि अधिकतम लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाए। इस अर्थव्यवस्था में निर्धन लोगों के लिए भी पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, भले ही इन वस्तुओं के उत्पादन से उत्पादकों को कोई विशेष लाभ न मिले। इस अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ की तुलना में सामाजिक न्याय को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं चीन, रूस और क्यूबा। अर्थव्यवस्था के तीसरे प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं को बाजार की शक्तियों पर स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, परंतु सरकार अर्थव्यवस्था तथा बाजार पर अपना नियंत्रण भी बनाए रखती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के लिए निजी क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, परंतु जन कल्याण से जुड़े कुछ क्षेत्रों को सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि करना होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे किया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह निर्णय बाजार शक्तियों के साथ साथ सामाजिक कल्याण के आधार पर भी लिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, परंतु कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में उत्पादकों को अपने लाभ अधिकतम करने की स्वतंत्रता है, परंतु रेलवे, अंतरिक्ष आदि जन कल्याण से जुड़े क्षेत्रों में सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, ताकि समाज का निर्धन वर्ग भी रेलवे आदि की सेवाएं प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा आदि राष्ट्रीय हित के जो विषय हैं, उन पर भी सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। विश्व में अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं और विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं। आशा है इस वीडियो से आपकी अधिकतर जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, वो उनका जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।